हेलो गाइस, तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक विद अनदर वीडियो। कृष्णा का सॉन्ग आउट हो चुका है आई गेस। भाई हम नहीं थे चार पांच दिन, आपको तो पता है कि हम गए थे घूमने हैदराबाद। तो यार हैदराबाद की ट्रिप काफी जबरदस्त हुई है, काफी जोरदार हुई है, बहुत एंजॉय किया है। और हैदराबाद के आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलने वाली है। एक वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुका है हमारे ब्लॉग चैनल पे, तो वीडियो की लिंक है बटन पे, क्लिक करके चेकआउट जरूर करना। और यार तगड़े होने वाले वो वीडियो, काफी मजा किया था हमने। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है तो वो प्लीज चेकआउट करना। हमारे डी प्लैनेट एक्सप्लोर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई जैसे हम वापस आए, काफी वीडियोस पेंडिंग पड़े थे, और जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पहले दिख गया कृष्णा का आई गेस। तो भाई मैंने सोचा कि अब ये क्या है, 3 महीने बाद कृष्णा का ऑफिशियल वीडियो आया है और तगड़ा होने वाला है मुझे लगता है। और उसके बाद तुरंत मैंने देखा कि एमवीएफ बंटाई का भी गेस्ट नाम से एक सॉन्ग आउट हो चुका है। तो भाई अभी ये पता नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्ट है या क्या है, फिर से शुरू हो गया है शायद। तो देखेंगे भाई, थोड़ी सी तबीयत अभी थोड़ी डाउन है क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग कर रहे थे, गला वगैरह थोड़ा सा खराब है, पानी चेंज हुआ था। तो यार देखते हैं अभी सॉन्ग में क्या होने वाला है ना। बोर्ड से क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आर्टिस्ट है कृष्णा, सॉन्ग है आई गेस, रिटन एंड परफॉर्म बाय कृष्णा, प्रोड्यूस बाय काबू बीट्स, रिकॉर्डिंग इंजीनियर है दीप कलसी, मिक्स एंड मास्टर किया है रायन समर ने। ओके, तो अरे काम करते हैं, ये सॉन्ग तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, ये लाइक को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे हमने काफी अच्छे अच्छे फोटोज डाले, पिक्स डाले हमारे ट्रैवलिंग के, हैदराबाद सीरीज के। तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे हमें आप डीएम वगैरह भी कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद, मतलब इस सॉन्ग के बाद तुरंत हम करने वाले हैं एमवी बंटाई का भी, तो हमको पता चलेगा कि आई गेस और गेस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमको दोनों सॉन्ग करने ही है। तो हमने सोचा जैसे हमने पहले किया था मचाएंगे का, तो इस टाइम भी हम करने वाले हैं आई गेस। पहले कृष्णा का सुनेंगे, उसके बाद सुनेंगे बंटाई का गेस। तो चैनल पे ऐसे जुड़े रहिए। तो एक काम करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 and start. Fell aside one time. Salam kar pe back. Back. Jab mujhe bana best, it's me I guess. Jab mujhe ultra best. ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज टेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज टेस्ट इट्स मी आई गेस। मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वन थे ऑन द पेवमेंट्स ट्राइंग टू गेट पेमेंट्स, कभी छोड़ के गए नहीं गेम, अब नाउ दे वांट टू हेट अस जस्ट टू गेट फेमस, इनके गाने नहीं चले दे ब्लेम अस, जैसे खुद लाचार ये बेबस, मांगी नहीं हेल्प नो फेवर्स, आज धनतेरस फॉर अ न्यू स्टेटस, अचानक से बने ये लिरिकल, कुछ साल पहले कमर्शियल थे माइक पर, आई कैन रैप सर्कल्स अराउंड दीस क्लाउन्स पर करता नहीं रैप इन साइफर्स, ये टच है माइडस दिल की वाइब पर, गॉट मोर बाद इन लाइफर्स, इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत पर, आई एम ब्लोइंग दीस बैग्स लाइक पाइपर्स, जब कृष्णा ड्रॉप्स लगे ओकेजन मेरा ध्यान है काम पे हम बोलते कम, मेरा नाम है चांद पे लो कोटेशन, जब आमने सामने नो लोकेशन, ले रहे शॉट से मिस मी, इसे लग रहा है हाइप है डिस्की, जाके कर ले डिस यू स्टिल वो भी शिट, हां होगी नहीं हाइप कभी इसकी, मुझे पता इन्हें हो रही है टेंशन, मुझे क्यों इन्हें हो गई ऑब्सेशन, बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन, पर करूं ना स्टोरी पे मेंशन, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज टेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे ऑब्स्क्यूज टेस्ट इट्स मी आई गेस, इन्हीं सालों से जली थी मेरा लेवल है ऊपर तो हम में ना करीबी, मुझे मिली या बड़ी जीत, बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते हरी जी, सिंगर सिंगर तू है सिंगर, शूटर एक कॉल पे जब बजता है रिंगर, तेरी गर्ल है साथ यू कैन ब्रिंग हर, शी कैन कम फाइनली बी विद अ विनर, रखा है हल्का हाथ लेकिन काम पूरा भारी लगे हल्का हाथ, कल जो सफलता कल्पना थी आज रात को कल्पना है घर पर साथ, आई एम स्टिल ऑन टॉप मैं ना आया नीचे, 3 months नो ड्रॉप फिर भी हायर रीच है, ग्रू अप ऑन अ सेट पर बेटर गेट चेक्ड इफ यू एंट गुड अ टेक्स्ट से आईआईटी से, मेरा प्यार था प्योर पर भाव नहीं दी और भाई मैं थी छोड़ना बातें की और गर्ल आर ऑन कार्पेट डीएम आई कार्पेट डियोर, अब छपरी है खबर है कवर पे, क्या छपरी है
गए पीछे में आ रहा नहीं पकड़ में रियल वंस रहते हैं बगल में साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में अब काम में दे रहे हैं दखल ये कीचड़ से निकला ये कमल है कभी था हाथ ना साथ लो गवर्नमेंट जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस जब पूछे कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस जब पूछे ऑफ क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा मैं भाई नहीं तेरा आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा बोला आएगा टाइम नहीं मेरा मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं दे रहा ओके इट्स मी आई गेस ओके तो भाई यहाँ पे सॉन्ग खत्म कृष्णा यार मतलब उसका लेवल ही वही यार खतरनाक लेवल है बिल्कुल उनके लिरिक्स जो रहते हैं ना इसलिए उनको कहते हैं लिरिकल गॉड जो भी उनके फैंस ने या हमने उनको वो एक खिताब दिया है कि क्या आप तगड़े लिरिक्स रहते हैं भाई और 3 महीने बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम उनका सॉन्ग आया है और वीडियो भी यार पूरी शूटिंग भी बाहर की है हाँ, बाहर और मतलब ऐसा नहीं किया है कि बस बाहर शूटिंग मतलब सिर्फ वीडियो शूट किया है वैसा लेकिन यार काफी प्रॉपर किया है हाँ, उस पे काम किया है प्रॉपर एडिटिंग के साथ पूरा मतलब जबरदस्त बनाया है वीडियो को और यार ये इसमें तो मतलब पता नहीं डिस नाम तो किसी का लिया नहीं है, लिया नहीं है। हाँ। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई गेस के बाद एमिवे का गेस नाम से ही फिर से एक सॉन्ग आना वो भी इस ये सॉन्ग ड्रॉप होने के बाद तुरंत 3 दिन के बाद हाँ। तो 3 दिन में सॉन्ग आया है अभी तक हमने वो सॉन्ग सुना नहीं है लेकिन अभी सुनेंगे तुरंत वो सॉन्ग सुनने से पहले इस सॉन्ग की बात करते हैं कि मुझे ये सॉन्ग काफी जबरदस्त लगा काफी तगड़ा है क्योंकि जैसे हमने कहा है कि हर एक आर्टिस्ट का एक अलग ऑरा होता है अलग लेवल होता है हर एक अपने लेवल पे बड़ा होता है एग्जैक्टली और कृष्णा मतलब वन ऑफ माय फेवरेट की तगड़े यार वो मतलब उनकी लिरिक्स वगैरह काफी जबरदस्त होती है उनका जो एक फ्लो रहता है ना वो इंग्लिश वाला एक टच उनका जो रहता है ना वो काफी तगड़ा होता है उनका तो अभी देखेंगे यार कि इसके बाद अभी एमिवे का क्या सॉन्ग है गेस में क्या होने वाला है तो चलो एक काम करते टाइम वेस्ट नहीं करते वो भी सॉन्ग सुनते लेकिन उससे पहले उसके क्रेडिट भी हमको पढ़ने क्या क्या है क्या क्या नहीं है आर्टिस्ट लिरिक्स एमिवे बंटा है म्यूजिक बाय काबू बीट्स मिक्स एंड मास्टर किया है एमिवे फिल्म बाय थ्रेक्टर एडिटेड बाय एमिवे एंड थ्रेक्टर सीसी बाय वीब्रेक एक चीज मैंने नोटिस की कि म्यूजिक दोनों का सेम नहीं दिया है काबू बीट्स वहां पे भी काबू बीट्स ही थे है ना तो यार देखते अब एक काम करते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते पहले डायरेक्टली सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद बात करते हैं तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड मेरे माँ बाप भारत से इसलिए तो बेटा भी फौला दे सक्कर बार बार बंटा का बहुत हाड़ी साइन किए बिना कमारा मैं उंगली उठा रहे ले इनकी क्या औकात है साथ में कमर्शियल संभाला बंटा ने सीन में मैं कुत्ता बना देते बीफ में छीन के बैठा हूँ मैं इनकी नींद लोगों को सिखाया क्या लड़की को लाते है बीफ में यही तेरी माँ ने सिखाया क्या धनतेरा सब जो तूने कमाया तू हाथ डाला औरों के थाली में हाल ही में आया दिवाली में फरसन बन के मालूम तू मिठाई था कोई भी दे बीट सिंगर तू भी मेरे बेटा
जिंदगी में आ रही जीत, कितना भी लीक तू मेरे से वीक, जीत भी ना पाया तू करके चीट, खाली से कर ले गैस की ये लोग बेस्ट दे नॉट इवन श्योर, बदल के एलवी आंखों से मेरे को खुशन दी ओडी ओर, फिर ले गाड़ी करने का बैटल तो बट आई एम रेडी फॉर वॉर, मैं जैसे दे फॉर यू पर खत्म करूं दे के स्पैंडम होम, ये खाली से कर ले गैस, ये खाली से कर ले गैस, ये खाली से कर ले गैस, ये खाली से कर ले जी, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई तू नहीं है ना मेरा भाई, मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई तू नहीं है ना मेरा भाई, चूसेंगे देखो पन्नी में डाल के वाइटनर बच्ची तू चिनर, आई कीप ऑन रिपेंटिंग बट कीप डिस्टेंस ओनली आई नो आई एम अ सिनर, अरे था मैं हाई फाई इलाके में फिर भी मैं बदला नहीं बिगाड़ नो मैनर्स, माय गर्ल इज अ मोमेंट शी डोंट वांट टू लीव cuz शी ऑलरेडी स्टेइंग विद विनो बिच, चलते रहे चल ओ भाई साहब क्या वे सॉन्ग खत्म, हां I don't have any words, खतरनाक भाई बंटाई को इसलिए यार बंटाई बंटाई यार मींस सी रैपर गॉड, हाँ मतलब भावनाएं समझ में आ रही है कि तुझे क्या बोलना है, बट सी अभी हमने दोनों सॉन्ग सुने, कृष्णा का सॉन्ग काफी जबरदस्त है, 3 महीने उन्होंने काम किया है उस पे, पूरी फॉरेन लोकेशन है, उनका लिरिक्स काफी तगड़ा है जैसे हमने पहले ही बताया, लेकिन अभी ये सॉन्ग सुनने के बाद जो हमने पिछली बार भी कहा था मचाएंगे के टाइम कहा था कि डिस में है ना, डिस में एमवे खतरनाक है, मतलब डिस में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यार 3 दिन में उन्होंने सॉन्ग निकाला भाई, 3 दिन में, 3 दिन में इस टाइप का सॉन्ग निकालना, 3 दिन कहा मतलब क्या कंपेयर कर लो, ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब किसी एक को ये कर रहे कि वो उनका ऐसा सॉन्ग है इसका ऐसा सॉन्ग है, ऐसी कुछ बात नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमको दोनों के लिए रिस्पेक्ट है, टू बी फ्रैंक मुझे कृष्णा के सॉन्ग भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और पंडे के तो है ही, लेकिन वो होता है ना पिछली बार वही चल रहा था ना डिस गेम में, एक इस लेवल का निकाल रहा था तो दूसरा इस लेवल का निकाल रहा था, ऐसा ही हो गया, तीसरा फिर उस लेवल का निकाल रहा था और ऊपर जा रहा था, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस था, बट अभी ये दोनों अगर सॉन्ग आप देखते हो ना फाड़ दिया है बंटाई का, जो उन्होंने देखो एक एक वर्ड को रिप्लाई किया है कि वो जो कृष्णा ने कहा था ना कि कारपेट डियोर की कारपेट है, तो इसने डियोर का मतलब वो पोछा ही बना दिया यार, वो अनबॉक्स करके डायरेक्ट पानी में डाल के पोछा बना दिया यार उसका, मींस खतरनाक, और एक एक वर्ड का मतलब उसमें रिप्लाई दिया, बिल्कुल रिप्लाई भी दे तो कैसे दिए, कैसे दिए यार, क्या बात, और म्यूजिक भी जबरदस्त था, जबरदस्त, मतलब ये मुझे अच्छा लगा ना कि समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया, लेकिन और एक चीज रहती है ना कि बहुत से लोग हमको बोलते हैं कि यार क्या घंटा तुमको समझ में आया, ये समझा वो समझा, भाई नहीं यार ऐसा नहीं होता है, नहीं लेकिन होता क्या है कि हम वन स्ट्रोक में सुनते हैं यार, एक बार में अगर सुनेंगे तो सारी बातें थोड़ी ना एकदम मतलब ध्यान में रहेगा हमारे, है ना, सही बात है ना, कुछ ना कुछ छूट तो जाता है, 2-3 बार सुनना पड़ेगा प्रॉपर, तो फिर एक एक वर्ड का फिर पता चलता है कि क्या सॉन्ग काफी जबरदस्त है, और जितना थ्रू आउट हमने सुना है ना, दोनों सॉन्ग हमने थ्रू आउट सुने, बीच में हमने रोका नहीं है या फिर से रिवाइंड नहीं किया है, डायरेक्ट सुना है, तो जितना भी हमें समझ में आया तो डिस तो था यार, ये तो डिस तो था बिल्कुल, नाम नहीं लिया था लेकिन अभी मैं भी पता नहीं कृष्णा का नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, नहीं लिया है बिल्कुल, अभी मैं भी पता नहीं कि नेक्स्ट सॉन्ग अगर कृष्णा के आएगा तो उसमें वो नाम भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो देखते हैं, लेकिन फिर बनता है तो रुकने वाले में से है नहीं, रुकेंगे क्योंकि अभी उन्होंने पॉज किया था, मतलब कि नहीं करना है अभी, उन्होंने बीच में यार मानसून ईपी वगैरह भी आया था, काफी तगड़े सॉन्ग आए थे यार बीच में, लेकिन ये सॉन्ग काफी तगड़ा था, दोनों सॉन्ग हमें काफी ज्यादा अच्छे लगे, आपको दोनों में से कौन सा सॉन्ग ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जस्ट हम ट्रिप मार के आए हैदराबाद की भाई, तो वीडियो काफी अच्छे अच्छे आने वाले वहाँ पे, और फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हमने ड्रॉप कर दिया है हमारे व्लॉग चैनल पे, तो वो भी जाके बिल्कुल चेकआउट करना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे अच्छी अच्छी लिंक्स आप हमें सेंड कर सकते हो, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।